हेलो दोस्तों, टेक्नो शुभम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मी प्रोटेक्टिव ग्लास की। जैसा कि ये आप MI का पैकेट देख सकते हैं, इसके अंदर है मी प्रोटेक्टिव ग्लास। तो दोस्तों आपको बता दूं, Xiaomi ने एक हफ्ते पहले ही ये मी प्रोटेक्टिव ग्लास लॉन्च किया है Redmi Note 9 सीरीज़ के लिए, जिसमें आपका Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max ये तीनों आते हैं। इन तीनों फ़ोन पे आप ये ग्लास लगा सकते हैं। तो बताता हूँ इसके सारे फीचर्स की, मतलब इसमें आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलता है, किस लेवल पे मिलता है और इस पैकेट में क्या मिलता है, कैसा ये ग्लास दिखता है, पैकेजिंग कैसी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो मी का प्रोटेक्टिव ग्लास है, ये दोस्तों कॉर्निंग ने बनाया है, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बनाती, गोरिल्ला ग्लास के लिए फेमस है, वही कंपनी ने इस मी प्रोटेक्टिव ग्लास को बनाया है। दोस्तों ये ग्लास टोटल 6 लेयर में बना हुआ है, इस पे 6 लेयर की कोटिंग है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारी डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे ऊपर जो कोटिंग है दोस्तों, वो है ओलियोफोबिक कोटिंग, जो कि हमारे फिंगर से टच होगी स्क्रीन, तो वो एकदम स्मूथ होगी, मतलब आपका फिंगर कहीं भी स्क्रीन पे चिपकेगा नहीं, वो एकदम स्मूथली मक्खन की तरह फिसलेगा। तो आप पबजी वगैरह खेलते हैं तो आपको बहुत सॉफ्टली एकदम आपको कंट्रोल मिल जाएंगे और साथ में आपका जो स्क्रैच वगैरह है वो भी बिल्कुल नहीं आएगा। टोटल 6 लेयर है इस प्रोटेक्टिव ग्लास पे। दोस्तों बात करें इस ग्लास के हार्डनेस की, तो इसमें 9H का हार्डनेस आपको मिलता है, जिस पे आप चाकू रगड़ लीजिए या की हो गया या सिक्के हो गए, किसी भी चीज़ से आप स्क्रैच करेंगे तो आपको स्क्रैच मिलेगा ही नहीं आपके स्क्रीन पे, क्योंकि ये ग्लास लगाने के बाद आपकी स्क्रीन एकदम प्रोटेक्टेड हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगी, ऐसा Xiaomi का दावा है। इसमें दोस्तों आपको सुपीरियर डैमेज प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि आपके फ़ोन पे कोई मतलब कुछ सामान भी गिर गया एक लेवल तक, एक हद तक वो आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट कर लेगा स्क्रीन टूटने से। अब ऐसा तो Xiaomi बोल ली, अब ऐसा रियल में आदमी अगर चेक करे तब ना पता चले कि कोई इस पे हम बॉल गिरा, जैसे आप स्क्रीन देखिए बॉल गिरता हुआ दिखा रहा है, वैसा बॉल अगर हम लोग गिरा रहे स्क्रीन पे कहीं टूट गया तो। लेकिन Xiaomi ऐसा दावा करता है कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत ये ग्लास है, बहुत प्रोटेक्टिव है। और साथ में दोस्तों इस पे मिलता है आपको बबल फ्री इंस्टॉलेशन, मतलब आप जब ये ग्लास लगाएंगे तो अंदर जो बबल आ जाते हैं सही से लग नहीं पाता है, कहीं एयर आ जाता है, बबल आ जाता है, तो वो सब झमेला इसमें नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल साफ सुथरा एकदम क्लीन बबल फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगा। साथ में दोस्तों ये ग्लास एक और फीचर के साथ में आता है, जो कि फीचर मुझे भी बहुत सही लगता है, जिसका नाम है अनकॉम्प्रोमाइज्ड विजिबिलिटी। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप टेम्पर ग्लास यूज़ करते होंगे जो सस्ते वाले होते हैं, जो नॉर्मली मिलते हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको डिस्प्ले पे आपके पिक्सल तक दिखते हैं, उभरे हुए दिखते हैं, मतलब एक कलरफुल लाइनिंग 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 डॉट 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 ऐसे दिखता है, तो उसमें आपको विजिबिलिटी मतलब डिस्प्ले पे आप जो देख रहे हैं वो उतना मज़ा नहीं आता देखने, वो क्लियरिटी नहीं मिलती है। लेकिन इस ग्लास के साथ ऐसा नहीं होगा, Xiaomi ऐसा बोलता है कि इसमें आपको एकदम क्लियर, जैसा आप बिना ग्लास के देखेंगे डिस्प्ले वैसा ही आपको ग्लास लगाने के बाद भी दिखेगा। तो सारे फीचर सब कुछ मैंने इसमें आपको बता दिया, अब चलिए इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है MI का पैकेट, इसके अंदर ये प्रोटेक्टिव ग्लास आया। मैंने ये पैकेट पहले ही खोल दिया था तो सीधा मैं ये प्रोटेक्टिव ग्लास निकालता हूँ बाहर। तो ये देखिए, ये मैंने प्रोटेक्टिव ग्लास निकाला, तो ये देखिए दोस्तों, ये आपको मिलता है मी प्रोटेक्टिव ग्लास, Xiaomi का लोगो, बात साथ में लिखा है मेड विथ एसेसरी ग्लास बाई कॉर्निंग, मतलब ये कॉर्निंग के द्वारा बनाया गया है। ये कॉर्निंग बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि गोरिल्ला ग्लास बनाती है, आपको पता ही होगा आजकल हर फोन में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस ग्लास के कुछ फीचर्स मिले, जिसमें लिखा है सुपीरियर डैमेज प्रोटेक्शन, मतलब ये हार्डली बहुत ज़्यादा डैमेज होने से आपके फ़ोन को बचा लेगा। 9H का हार्डनेस मिलता है, जिससे कि आपकी स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे ज़्यादा, और बबल फ्री इंस्टॉलेशन मिलता है। ये सारे फीचर आपको मिलते हैं इस ग्लास में, साथ में मेड इन इंडिया का लोगो, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये ग्लास का आप पिक्चर देख सकते हैं, बैक साइड में आपको वही सब मिलेगा कि इस ग्लास में क्या क्या है, कितने यूनिट है, कितने कपड़े, ये सब वगैरह। अब प्राइस जो देख रहे हैं दोस्तों, ये प्राइस है 599 रुपये, मतलब 600 रुपये का ये ग्लास है, लेकिन ये मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये में। Xiaomi के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको मी स्टोर पे 400 रुपये में मिलेगा, 399 रुपये, प्लस उस पर आपको 50 रुपये का डिलीवरी चार्ज भी देना होगा, तो 450 का ये ग्लास मुझे मिला है। तो ग्लास प्राइस के हिसाब से दोस्तों कहो तो थोड़ा ये महंगा है, 450 रुपये का, बट देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, फीचर वगैरह क्या है, मतलब अच्छे से प्रोटेक्ट करता है नहीं करता है, इसका मैं पूरा रिव्यू वीडियो बनाऊंगा आज से एक हफ्ते 10 दिन बाद, जब पूरा अच्छे से यूज़ करूंगा तब देखता हूं स्क्रैच वगैरह कितना आया नहीं आया, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस बॉक्स को ओपन करते हैं।
बॉक्स के अंदर एक बॉक्स हमको और देखने को मिलता है। तो इसको बॉक्स को खोलते हैं तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले रखा हुआ ये देखिए, ये एक माइक्रोफोबिक क्लॉथ है, मतलब ये कपड़ा दिया है साफ करने के लिए। और साथ में ये देखिए दोस्तों ये दिया है, दो वाइप्स और दिए हैं। पहला वाइप्स गीला है, ये आपको ग्लास लगाने से पहले अपनी स्क्रीन को अच्छे से साफ कर लेना है तब लगाना है। और दूसरा वाइप सूखा हुआ है, ये लगाने के बाद आपको मतलब जो मिट्टी उट्टी वगैरह है उसको हटाने के काम आएगा। तो ये दो वाइप्स भी इसमें मिलते हैं, साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन कार्ड भी मिलता है। फिर नीचे आपको रखा हुआ मिलेगा सबसे ये ग्लास। तो ये वो मेन चीज़ है दोस्तों, इसकी प्राइस है 400 रुपये, इसका हमने 400 रुपये दिया है। तो अब देखते हैं ये 400 रुपये वर्थ है कि नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल ये ग्लास है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हल्का है काफ़ी, बहुत भारी नहीं। दोस्तों ये ग्लास लगाने का पहला स्टेप है, आपको ये वाइप जो वेट वाइप है इसको निकालना है और अपनी स्क्रीन के पूरे एरिया को अच्छे से साफ करना है इस वाइप से। स्टेप टू में दोस्तों आपको जो कपड़ा दिख रहा है ये वाइप टू, इस पे ये आपको ओपन करना है, इसमें से सूखा कपड़ा मिलेगा। इस कपड़े से निकाल के आपको जो पहले जो गीले कपड़े से आप पोंछे थे उसमें जो भी हल्का फुल्का एल्कोहल बचा होगा, हल्का फुल्का जो लिक्विड बचा होगा उसको इस कपड़े से साफ करना है, ठीक है। दो स्टेप हो गए, अब तीसरे स्टेप में आते हैं दोस्तों। तो तीसरे स्टेप में आपको करना है कि ये जो आप ग्लास देख रहे हैं, इस ग्लास का ये जो ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर एक और लेयर है पतली सी प्लास्टिक की, इसको हटाना है। फिर उसके बाद अपने फ़ोन पे ऐसे लगाना है, हटाने के बाद आपको ये ऐसे लगाना है, मतलब जो साइड आप हटाएंगे वो आपके डिस्प्ले पे जाके चिपकेगा। ये हटा के आपको उस पे लगाना है। फिर चौथा स्टेप है, जब आप बढ़िया से अच्छे से मिला लीजिए उसको, अच्छे से एकदम H2S कैमरा वगैरह देख लीजिए, अच्छे से इसको लगाइए। फिर उसके बाद लगाने के बाद आपको पाँचवा स्टेप आएगा दोस्तों, बीच में आपको हल्के से प्रेस करना है। जब आप लगा लेंगे तो आपके डिस्प्ले पे ये रख देंगे चिपक जाएगा, तो बीच में हल्के से प्रेस करिए ये वाले कपड़े से। इस कपड़े से आप हल्के से बीच में प्रेस करेंगे तो ये जो बराबर पूरा बैठ जाएगा, ठीक है। और जो इसमें बबल रहेंगे बीच में, जो बबल वगैरह एयर घुस जाता है तो उसको निकालना है। हल्के से जब आप प्रेस करेंगे तो वो धीरे धीरे निकलने लगेगा। फिर आप उसको ऐसे धीरे धीरे करके आराम से निकाल सकते हैं, चारों ओर से अपना आराम से रगड़िए उसको, जहाँ एयर आपको मिले वहाँ एयर निकाल दीजिए। तो बस इतना ही स्टेप था, ये फिर ग्लास आपका आराम से लग जाएगा। बाकी आप ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, क्योंकि ये मेरे न्यू फ़ोन Redmi Note 9 Pro Max से शूट हो रहा है, आप सारे वीडियो उसी फ़ोन से शूट होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वालिटी कैसी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।